टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू एंड टू क्यू, ये रहा क्यू ये रहा टू क्यू, ठीक, आर केप्ट डी डिस्टेंस अपार्ट, तो इनके बीच में दूरी क्या है डी। अ थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी केप्ट अलोंग द सेम लाइन, इसके ऊपर एक थर्ड चार्ज को रखना है, क्वेश्चन है कहां रखना है, तो यानी कि एक्स निकालना है तो डी माइनस एक्स, सो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन छोटा क्यू एंड टू क्यू इज जीरो, पॉइंट टू बी नोटेड, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसके पड़ोसी जो जो भी हैं दो चार्जेस इनके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, क्यू एंड टू क्यू पे जीरो है, ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो सबको करनी आती है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये चार्ज की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्यों सोचो, अगर इसकी नेट फोर्स जीरो करनी है और अगर मैं ये पॉजिटिव रखता हूं तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल, वो पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल, तो दो वेक्टर सेम है तो कैंसिल कौन करेगा, तो नहीं आंसर आएगा, तो इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट, और वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल। हाँ, अब नेट फोर्स जीरो आ सकती है, तो ये आपने सोचना है कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसमें सपोज ये नेगेटिव चार्ज मैंने ले लिया, नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है, नेट फोर्स उसके ऊपर भी जीरो है, देखो नेट फोर्स जीरो करने जा रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज इस छोटे क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स कितनी लगाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, और वो 2q इस q को रिपेल करेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू 2q डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस कितना है डी, डी का स्क्वायर, यहां पे 2 भी आएगा, करेक्शन है 2q ऐसे आएगा, ठीक, इक्विलिब्रियम के लिए ये और ये फोर्स आपस में बराबर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये नेगेटिव चार्ज इस 2q को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इनटू दिस अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये q इस 2q को रिपेल करेगा इतनी फोर्स के साथ, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, दिस एंड दिस फोर्स शुड बी इक्वल, दो इक्वेशंस आ गई, एक लेफ्ट से और एक राइट से, ठीक है, यहां तक इक्विलिब्रियम तो बनाने सबने सीख ही लिए, तो लेफ्ट से एक राइट से एक। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये टर्म दोनों की सेम है, लेफ्ट टर्म दोनों की सेम है, तो राइट टर्म भी दोनों की सेम आएगी, तो राइट टर्म सेम कर दी, कैंसिल किया क्यू क्यू को, सब कैंसिल, अंडर रूट लिया, सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स निकालना था ना, एक्स आ गया, तो मतलब कोई खास क्वेश्चन नहीं है, जिस चार्ज का इक्विलिब्रियम बनाने को कहा उसके ऊपर वेक्टर ले लो, उस चार्ज का कहा वेक्टर ले लो, और दोनों वेक्टर्स को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा, दो इक्वेशन बनेंगे एक लेफ्ट से एक राइट से, सॉल्व करके अपने आप एक्स की वैल्यू आ रही है, ये आइडिया दे रहा हूं, अगर पेपर में ऐसा कुछ आए तो पता होना चाहिए कि ऐसे भी बनता है, क्या रहे? इसके साथ साथ स्क्वायर वाले क्वेश्चन तुमने किए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाले क्वेश्चन भी किए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव में ए को बी को टच किया, बी ने सी को टच किया, तो चार्ज एवरेज आउट हो जाएगा, जीपी वाला क्वेश्चन आज हमने कर लिया ऑब्जेक्टिव में, ये करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये करने की बहुत जरूरत है, और वैसे मैंने लिख दिया फॉर नॉन मेडिकल, कैलकुलस यूज करना है इसमें मेरे को एक्चुअली, नॉन मेडिकल सुन सकते हैं मेडिकल वाले, ठीक, पर ज्यादा फोकस नॉन मेडिकल, दो बार मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक, तो क्वेश्चन है दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, दोनों के ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू, ध्यान आगे ये रहा कैपिटल क्यू, ये रहा कैपिटल क्यू रख दिया, एंड आर सेपरेटेड बाई डी डिस्टेंस अपार्ट, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है डी, अगेन वेयर शुड थर्ड चार्ज छोटा क्यू बी प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है, तो मैं छोटा क्यू को कहां रखूं तो मुझे क्या निकालना है एक्स, ताकि छोटे क्यू पे जो कैपिटल क्यू फोर्स लगाए वो फोर्स मैक्सिमम आए, वर्ड मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स तो कोई भी निकाल लेगा, मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए उसको कैलकुलस से सॉल्व करना पड़ता है। चलो पहले फोर्स निकालते हैं, सबसे पहले क्या होगा, ये डी, तो ये डी बाई टू, ये एक्स पाइथागोरस, ये कैपिटल क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, ये कैपिटल क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, एंगल थीटा थीटा, ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे, थीटा
थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एफ के दो कॉम्पोनेंट एफ कॉस एफ साइन, एफ के दो कॉम्पोनेंट एफ कॉस एफ साइन, कॉस कॉस कैंसल, नेट फोर्स क्या आ गई 2F साइन थीटा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। फोर्स की वैल्यू इन दो चार्जेस में क्या होगी 1/4πε0 क्यू छोटा क्यू इसका स्क्वायर, ये पुट कर दिया, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी एक्स अपॉन दिस, ये आ गया। अंडर रूट स्क्वायर कैंसल, इसकी पावर हाफ इसकी पावर वन, तो क्या आ गया रेज टू पावर 3/2, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। पर पॉइंट ये है कि मुझे फोर्स थोड़ा निकालनी है, मेरे को तो एक्स निकालना है, डिस्टेंस निकालना है जब ये फोर्स मैक्सिमम है। तो अब स्टार्ट होगा कैलकुलस, किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो उसको क्या करना है डिफरेंशिएट और इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, जो चीज निकालनी है वेरिएबल क्या निकालना है एक्स, एक्स के साथ जीरो। ये पूरे नेट फोर्स को उठा के इसकी जगह पुट करते हैं, ये मैंने पुट किया इक्वल टू जीरो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, सब जीरो से काट दो तो सिर्फ ये टर्म बचेगी। इसके अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर यू वी, याद करो यू अपॉन वी का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर वी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू माइनस यू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये तो जीरो से कट जाएगा उधर। डी एक्स बाई डी एक्स आएगा वन, ये जो टर्म है ये क्या बनेगी 3/2, इस पूरे की पावर 3/2 माइनस वन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरी की पूरी टर्म आएगी। इसके अंदर जब इसे ओपन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होगा और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो ये टर्म नेगेटिव पॉजिटिव राइट साइड पे जाएगी, एक्स से 2 से 2 कैंसिल, यहां से एक्स 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 स्क्वायर, ये पूरी टर्म इससे जब डिवाइड होगी तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होके 1 बनेगा, सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी। आंसर स्टैंडर्ड है डी बाई टू रूट टू, याद कर लेना ध्यान से कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाए स्टैंडर्ड आंसर डी बाई टू रूट टू है इसका। बाकी मैथ्स वालों को कैलकुलस की प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स वाले प्लस टू में खूब कैलकुलस करेंगे, फोर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलस प्रॉब्लम नहीं है, तो एक रूटीन क्वेश्चन हो जाएगा नॉन मेडिकल वालों के लिए।